पर्सनालिटी बहुत पसंद था और ज्योग्राफी बहुत बोरिंग लगता था, तो ज्योग्राफी को मैंने किसी तरीके से हर रोज़ उसको एक 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 चैप्टर करके उसको करती थी। पॉलिटी मैं एक साथ ज़्यादा भी पढ़ लेती। तो ऐसा आप अपना खुद का स्ट्रेंथ पहचानो, किस टॉपिक के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो या किसके साथ कम, उस तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करें। और तो अभी ये तो मैंने ब्रॉड ब्रॉड टच कर दिया, इसके अलावा जो भी आपको सवाल मुझसे पूछ रहे हैं आप पूछ सकते हैं। जब हम आंसर लिखते हैं तो हमारे अंदर क्या अप्रोच होनी चाहिए आंसर लिखते टाइम, क्योंकि हमारे पास बस 9 से 10 मिनट का समय रहता है आंसर लिखते समय, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें में डालने चाहिए जिससे हमारे आंसर है वो अच्छा आंसर हो। What's the end? Yes. So yes, answer writing बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा हुआ पूछ लिया, मुझसे मिस हो गया था। थैंक यू। आंसर राइटिंग किसी भी एग्जाम का तो मतलब कह सकती हूँ, लेकिन UPSC एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी आंसर राइटिंग। एंड जैसा कि आपने सही कहा कि 9 मिनट मिलते हैं, और ऑप्शनल का पेपर ले लूँ तो अगर थोड़ा हायर मार्क का हो तो 14 मिनट मिलेंगे। ऐसे 9, 11, 14 इतने ही मिनट मिलेंगे एक आंसर को लिखने के, डिपेंडिंग ऑन दी वर्ड लिमिट। तो उसको कैसे लिख पाए? अगर आप सोचें कि मैं बिना प्रैक्टिस करके ना उधर ही कोर कर लूंगा टाइम पर, तो सच में नहीं हो पाता है। मुझसे तो मैं आधा घंटा ले लेती थी एक आंसर लिखने के लिए शुरुआत में, है ना? और मेरे ख्याल से आपके साथ भी ये चीज़ हुई होगी कि आधा घंटा क्वेश्चन लेके टाइम स्टॉप वॉच अच्छे से ऑन करके बैठे और लग गया आधा घंटा। तो ये होगा, तो लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो पहले आप अपना नॉलेज बेस बना लो। जैसे मान लो आप किसी पॉलिटी का मान लीजिए आप आंसर आज लिखने का सोच रहे हैं, पहले आप उसका नॉलेज बेस बनाइए कि अच्छा ये मैंने पढ़ रखा है। उसके बाद आप आंसर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो मैंने उसमें डाली और शायद मुझे लगता है कि उससे अच्छे मार्क्स मिले। कोई भी आंसर अगर केवल जैसे शुरू किया, थोड़ा सा बताया, और वो है ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की इंट्रोडक्शन देन बॉडी देन कंक्लूजन, ये तो आप लिखते ही हैं। इसके अलावा आप अपने आंसर्स में कुछ फैक्ट्स कोट कर सकते हैं। जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते हैं कि 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज दिस, कुछ भी ऐसा डेटा रहता है, GDP का डेटा रहता है और कुछ, तो ऐसे फैक्ट्स जो हैं आप कोट कर सकते हैं। दिस इज वन। नंबर टू, कोई भी कमिटी की रिपोर्ट ऐसे आता है कि जैसे अभी आया था कि जस्टिस BN श्री कृष्णा की रिपोर्ट आई थी, है ना, प्राइवेसी को लेकर के, राइट टू प्राइवेसी को, तो वो एक रिपोर्ट मैंने आंसर में कोट की थी। तो ऐसे कोई भी रिपोर्ट्स और कमीशन्स जो बैठते हैं, जैसे आपने पुंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन, ARC, इनके बारे में पढ़ा सुना होगा, तो इनके रिपोर्ट्स को आपको वहाँ पे लिखना है कि इन के हिसाब से ये व्यू पॉइंट है। कुल मिला के बात ये है कि हमारा व्यू पॉइंट तो ठीक है, पर हमारे व्यू पॉइंट को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हमें किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम उस फैक्ट का सहारा लेंगे या उस कमिटी का सहारा लेंगे, तो हमारी कही हुई बात ज़्यादा एक्सेप्टेबल साबित होगी। आप समझ रहे? तो ये फैक्ट, कमिटी, इसके अलावा आजकल इंडेक्स बहुत आते हैं, जैसे आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स सुना होगा, है ना? गवर्नमेंट भी उस पर काफ़ी स्ट्रेस कर रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमारी रैंकिंग और अच्छी हो जाए। तो आप उन इंडेक्सेस को पढ़िए, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स आता है ऐसे, तो इनको भी आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। एंड एज फार एज टाइम इज कंसर्न, तो मैंने एक स्टॉप वॉच खरीदी थी छोटी सी, और बस फिर आंसर्स लिख करके अपना टाइम ऑन करके बार बार प्रैक्टिस करती हूँ। हर रोज 1 से 2 आंसर आप लिखो, और अगर आपके पास ऐसे 8 to 9 मंथ्स का टाइम है तो आप उतना डेवलप कर लेते हो स्पीड कि आप अपने टाइम में कर पाओ। बस एक चीज़ और कहूँगी कि आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, भले मेंस दे रहे हो या प्रीलिम्स दे रहे हो, मॉक टेस्ट से उस टाइम में कैसे अपने आप को ढालना है वो हम अच्छे से समझ सकते हैं, है ना? और कोई क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून मैम, मेरा क्वेश्चन है कि UPSC में जो क्वेश्चन आते हैं किस तरीके के क्वेश्चन में पैरा और पैराग्राफ का यूज सूटेबल रहेगा, और जो अनुच्छेद पॉइंट वाइज उनमें कैसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए या फिर कैसे डिफरेंस? जी ठीक है, अब बैठ जाइए। तो कई बार ऐसा मतलब आता है, डाउट बहुत भी रहता है कि पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट्स में, बट ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इट डिपेंड्स ऑन दी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है? अगर क्वेश्चन में ऐसा टेल वर्ड आप समझते हैं, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, एन्यूमरेट, है ना, ये सब दिया रहता है, एग्जामिन, तो जैसे एन्यूमरेट बोला है तो एन्यूमरेट मतलब तो नंबर में लिखना है, चलो बात पक्की है। अगर कोई और चीज़ आपको खुद समझनी है, जैसे मैं कभी कभार शुरू ऐसे करती थी, पहले डेफिनेशन लिखती थी, इंट्रोडक्शन उससे शुरू कर दिया,
फिर मैं उसको डिवाइड करती थी आंसर को, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, एनवायरमेंटल, जैसे कोई आपको मुद्दा दे रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है और उसका इम्पैक्ट पूछ रहे हैं, राइट? सो यू गिव द सोशल इम्पैक्ट, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, द कल्चरल इम्पैक्ट, लीगल, एनवायरमेंटल, ऐसे करके. सो ऐसे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो. सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, पॉइंट नंबर वन. नंबर टू, आपको खुद को उसमें वेराइटी लाने हैं. अगर आप पूरा आंसर पैराग्राफ में लिख देते हैं, जैसे मेरा ऑप्शनल जो था वो सोशियोलॉजी था, अब सोशियोलॉजी में ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप पॉइंट्स डाल पाओ, है ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, तो उसमें मैं ज़्यादा पॉइंट्स नहीं डाल पाई. पर जैसे पॉलिटी का पेपर हो गया, इकोनॉमी का पेपर हो गया, इसमें मैं काफ़ी पॉइंट्स में वो किया है. तो आप उसी के बेसिस पे प्रैक्टिस करें और उस तरीके से आप उस क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करें कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है पूरा आंसर पैराग्राफ में या पैरा में हो, दो पैराग्राफ में या पॉइंट्स में हो, दोनों चीज़ें आप मिला सकते हैं. और कोई सवाल? आपका जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शन था तो उसमें जो पेपर वन है वो थोड़ा स्टैटिक है, बट जो पेपर टू है वो डायनामिक नेचर का है थोड़ा, तो उसके लिए रिसोर्सेज क्या है और स्ट्रेटेजी क्या रही आपकी? कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है, लास्ट ईयर कंप्लीट किया, तो बहुत मन में सवाल थे. अब मेरे साथ ऐसा था कि ऑप्शनल में केमिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल नहीं था, तो आई हैड टू चूज समथिंग एल्स. तो मैंने पहले सोशियोलॉजी चूज़ किया और उसकी किताबें पढ़ी, लगा यार इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं. अगर बुक लिस्ट में आऊँ तो मैंने ट्रायल एंड एरर से बुक्स ढूंढी हैं, किसी टॉपर से सजेस्ट की थी, उनकी बुक्स देखी और फिर कुछ खुद ही मैंने पढ़ के उनके नोट्स बनाए. तो पेपर वन के लिए तो काफ़ी सारे, जैसे हैरलम्बस एंड हील तो सब पढ़ते हैं, जो ऑरेंज वाली पतली किताब आती है, हैरलम्बस एंड हील, वो एक मैंने पढ़ी थी. और अगर पेपर टू पे आ जाऊँ सीधा जो आपके क्वेश्चन पे, कि काफ़ी डायनामिक है, तो नंबर वन न्यूज़पेपर्स तो आपको पढ़ना है बहुत तरीके से, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में कुछ ऐसी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं विच यू कैन डायरेक्टली कोट इन योर आंसर्स. एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एक मैगजीन में, जिसमें लिखा था कि कुछ लड़कियां जिसे बॉर्न हो जाती हैं और उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि लड़की बॉर्न हो, तो उसको नकुशा नाम दिया जाता है. तो ये थोड़ा यूनिक एस्पेक्ट है. तो अगर किसी गर्ल चाइल्ड के बारे में कोई सवाल हो तो आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरीके से हमारे कल्चर में एक ऐसा वर्ड अब आ गया है कि इफ अ फीमेल चाइल्ड इज अनवांटेड उसको हम क्या नाम देंगे. तो ये कितनी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, आप इसको कोट कर सकते हैं. तो एक तो न्यूज़पेपर्स, अगर बुक लिस्ट या बुक्स की बात करूं कि मैंने क्या रेफर किया, तो आज मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, बाद में ये बुक मेरे हाथ में आई, इसमें पूरा पेपर वन और पेपर टू साथ में दिया हुआ है. नितिन सांगवान सर की किताब है, उसमें वो भी आईएएस हैं और उन्होंने लिखी है, तो उसमें पेपर वन पेपर टू दोनों मिल जाएगा. दैट्स वन. मैंने कास्ट के स्पेशल एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए नदीम हसनैन की किताब है, तो नदीम हसनैन की ट्राइब्स वाली नहीं है, सोशियोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी नदीम हसनैन वो. और फिर रूरल सोशियोलॉजी के लिए दोषी एंड जैन की किताब. तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप गेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप SSB का फॉर्म भर रहे हो, UPSC का, तो कुछ चीज़ें ना हमेशा कॉमन रहती हैं. तो वो जो कॉमन चीज़ें हैं आज उन पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे. द फर्स्ट पी इज़ अबाउट प्रोडक्टिविटी, कि कितना हम टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं और उससे हम कितना आउटपुट ले पा रहे हैं, है ना. कई बार ऐसा होता है कि हम 10 से 12 मतलब है ना बिल्कुल गिन करके बैठे हैं, सुबह से इतना टाइम लगा रहे हैं, पर फिर भी अगर हम एंड में देखते हैं तो हम उतने टेस्ट सॉल्व नहीं कर पाते. क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो ये चीज़ का प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी होता था ऐसा ही. ये प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है, टाइम हम उतना लगा रहे हैं पर उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं. तो उसके लिए तो एक चीज़ ये कि मैंने कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे कि हमारा फ़ोन सबसे बड़ा, उन चीज़ों को थोड़ा सा मैंने कम किया. उसके अलावा और भी जितनी चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहते हैं इंटरनेट पर पढ़ाई के अलावा, उनको मैंने थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश की. और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं अपने आप को एक थोड़ा सा टाइम टेबल में बांधने की कोशिश की. हमारा हर दिन अलग होता है ना, कभी किसी दिन पढ़ने का मन करता है, कभी किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमको एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स मैं कहूँगी, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी कोई भी एग्ज़ाम जो है वो 5 to 6 आवर्स आपको रोज़ मतलब मैं कहूँगी कंसिस्टेंटली आपको देने की ज़रूरत है ना. और उसके लिए आप अपना एक कुछ छोटा सा रूटीन, भले ही सोने के पहले आधा घंटा अपना दिन जो है दूसरा
वो आप प्लान कर लीजिए, क्योंकि हर दिन नया होता है। अगर एक दिन आप टाइम टेबल बना दिया यहाँ से यही करूँगा और एक वीक आप सोचो कि फॉलो हो जाए, तो मुझसे वो फॉलो नहीं हो पाता था। तो मैं ये करती थी कि सोने के पहले थोड़ा सा आधे घंटे में कल क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं, वो सब एक बार मैं लिख लिया करती थी। जो भी प्रिपरेशन मैंने की उस पर ही बता रही हूँ कि हम सीखते हैं, इसलिए आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी, आप अपने आप को पहचान कर अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं। मुझसे एडवाइस लीजिए, लेकिन आप वही कीजिए जो आपको लगता है कि आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेस के हिसाब से काम आएगी। लेकिन फिर भी कहूँगी कि थोड़ा अपने आप को बांधो, थोड़ा डिसिप्लिन में रहो, थोड़ा सा मोटिवेट रखो, दृढ़ निश्चय रखो, और बड़ा सपना देख लिया है ना तो अपने आप को उसमें पूरा झोंक दो। सोचो कि अब लाइफ में और कुछ नहीं है, जब तक ये नहीं करूँगी ना, ये करूँगा नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला मेरा, ना मेरा ना किसी और। तो उस तरीके का एटीट्यूड, एक फायर, एक वो पैशन अपने आप में आपको जगाना पड़ेगा। दैट पैशन विल ड्राइव यू एंड दैट पैशन विल टेक यू प्लेसेस। तो चार लाइन ही है कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो आप अपना हौसला बुलंद कीजिए, बड़ा सपना देखिए, बड़ा सपना देखने से डरिए मत, लेकिन जितना बड़ा आपने सपना देखा है उतनी ही बड़ी मेहनत करेंगे तो आप यहाँ आएंगे और फिर मुझे ज़रूर बुलाएंगे, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।